जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे बुखार हो गया है। बद्रीनाथ के लिए निकल गया हूँ। hey दोस्तों, केदारनाथ से उतर गए हैं। कल रात बारिश बहुत तेज हो रही थी और जैसे कि आपको पता ही है कि मुझे बुखार हो गया है। सर के साथ हूँ, अपने पूरा चेकअप कराया है कि बुखार वगैरह तो नहीं है, ट्रिप स्टार्ट कर सकता हूँ या नहीं। तो आप कहाँ से हो सर? मैं तो ये लोकल हूँ। ओके, तो मुझे ट्रिप पे जाना चाहिए या नहीं? जा सकते वैसे। अच्छा, जा सकता हूँ, सारी चीज़ें ओके 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 ओके। थैंक यू सो मच। तो आप ऐसे ही सेवा करते रहो यार, आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए निकल गया हूँ, तो थक तो गया हूँ, पैकिंग थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अब जाना है तो जाना है ना, वेट किसी का करना नहीं है। भाई, केदारनाथ से निकल चुका हूँ सोनप्रयाग से। निकलने के बाद अब सर मिले हैं जो फाटा तक मुझे लिफ्ट दे रहे हैं। बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाने के लिए मुझे रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा। पहले रुद्रप्रयाग से पकड़नी पड़ेगी मुझे कोई और सी लिफ्ट। अब देखते हैं कि वेट कहाँ करना है, स्टे कहाँ करना है, रुद्रप्रयाग रुकेंगे या फिर सीधा बद्रीनाथ ही जाएंगे, डिपेंड करते हैं। तो सर को थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे लिफ्ट देने के लिए। थैंक यू मैम, हाय, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। भाई अभी जिस गाड़ी में बैठे थे उसका हो गया था पेंचर होने के बाद पेंचर सही करा रहे हैं। और मैंने भैया से बात जब मैंने बात की भैया से, भैया मैं निकल जाता हूँ अगर आप लोगों को टाइम लगेगा तो, क्योंकि ये लोग वरना मुझे गुप्तकाशी तक छोड़ सकते हैं। बट अभी मैं आगे के लिए देख रहा हूँ, अगर मिल जाता है कोई बद्रीनाथ तक तो। हे एवरीवन, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं केदारनाथ से कल निकल गया था। निकलने के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें मिली यार रास्ते में। एक बंदा मिला आर्मी से जो मार्कोस से था, नेवी से। भाई क्या बाइक चला रहा था वो, डेफिनेटली मतलब आप बता नहीं सकते यार, इतनी ज़बरदस्त बाइक चला रहा था, मतलब मेरी पीठ दर्द करने लगी है ये ज़रूर है ना। मगर वो बाइक अच्छी चला रहा था और मार्कोस से, तो मैं तो सुन के वैसे भी हैरान हो गया। मैं कह रहा मार्कोस से हो आप? कह रहा ठीक है यार, ठीक है भाई। उसके बाद मैं आया हूँ अब रुद्रप्रयाग, रुका मैं रात के टाइम, और आप मेरे पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी का। ये बिल्कुल, ये अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम बह रहा है रुद्रप्रयाग में। आपको जितने भी प्रयाग हैं ना, सब में एक एक संगम जरूर मिलेगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में था संगम, और दूसरा फिर ये वाला है अलकनंदा और मंदाकिनी का। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ कल ही रुका था, रुकने के बाद ना यहाँ पर कुछ लोग मिले मेरे को जो खुद भी यूट्यूबर और व्लॉगिंग करते हैं, और इसके बाद मैं आपको अब उनसे मिलाने वाला हूँ। हे गाइस, एवरीवन, हाउ आर यू? हर हर महादेव, जय श्री राम। तो मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है पक्का। आपको कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ में मिलते हैं। बद्रीनाथ करने के बाद है ना, गंगोत्री यमुनोत्री का प्लान किस किस का है? मेरा। ओके, गंगोत्री जाएगा तू? ठीक है, तो भाई मेरे साथ गंगोत्री भी जाने वाला है, इसको तो नहीं छोड़ने वाला है। कहाँ से? बिहार। बिहार से आई है। मेरा यूट्यूब चैनल है नॉर्थ रजनीश, और भाई का यूट्यूब चैनल है नॉर्थ नौमत रजनीश। तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को, और इंस्टा पे भी फॉलो करना है भाई को, रजनीश ट्रेवल्स के नाम से। तो
भाई भाई का भी एक चैनल है, ऐसे चुपचाप बैठने में मजा है। भाई का चैनल है आउटडोर विक्रांत के नाम से। भैया का ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो गया भाई, तभी भाई इतना खुश नजर आ रहा है। कली हुआ कली भैया, तभी इतना खुश नजर आ रहा है तो मेरे को ब्रेकअप होने के बाद। अपना फ्री अभी घूमे बिल्कुल फ्री, अब टेंशन फ्री। चलो सब लोग आयो, आजा भाई इधर, सब लोग बोलो सब्सक्राइब ट्रिप विद सनी, लाइक करे, फॉलो करे। जय बाबा की, जय माता।